इन टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, आप उनको सर से बोलिए कि वो उस पर वीडियो बना दें। वीडियो डेली वो सर लोग डाल ही रहे हैं, क्योंकि आपके आपके रिवीजन के लिए आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो आप केवल रिवीजन करिए, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत है नहीं। कि आप सोशल मीडिया पे या फिर कहीं यूट्यूब पे हम इसके भी लेक्चर देख लें, उसके भी लेक्चर देख लें, उससे कोई मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। और जो इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपके इस लास्ट के 2 महीने में सोशल मीडिया से आप जितना आप डिस्टेंसिंग कर सकते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि कम्प्लीटली आप सोशल मीडिया को लॉकडाउन तो नहीं कर सकते हैं। मैं खुद अपने एग्ज़ाम में नहीं लॉकडाउन कर पाया तो मैं आपको तो नहीं बोल सकता, बट आप जितना हो सके उससे दूर रहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिन पे आप एक पर्टिकुलर टाइम डाल दीजिए तो आपका सोशल मीडिया उतने टाइम के लिए पूरी तरह से क्लोज डाउन या लॉकडाउन रहता है, तो वो बेनिफिशियल है। बट इससे जितनी आप डिस्टेंसिंग कर सकते हैं उतनी करिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन लास्ट क्रूशियल पीरियड में। और बाकी एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, रिजल्ट क्या आएगा, उस पर तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो आपके लिमिट के बाहर की चीज़ है। आपके आप जो कर सकते हैं वो आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, बस यही कर सकते हैं और आपको यही करना ही है। बाकी कोई डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक कंडीशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, कुछ टाइम में चला जाएगा। उसमें आप जैसा कि इसमें आपको कोई भी अगर हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहे हैं, जैसे कि ड्राई कफ हो रहा है, अगर ब्रीथलेसनेस है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो अपने नियर बाई किसी भी हेल्थ फैसिलिटी से आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करिए। एंड एट लास्ट बी सेफ, स्टे एट होम, एंड ओनली क्या करना है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं और कुछ करना भी नहीं है। तो अपनी पूरी एनर्जी को जो आप इधर उधर वेस्ट कर सकते थे, उसको आपको कंसंट्रेट करके केवल अपने रिवीजन पे लगाना है और कुछ नहीं करना है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।